वॉच लेफ्ट हैंड में पहने या फिर राइट हैंड में पहने, ये सवाल आप लोगों के मन में ज़रूर चलता होगा कि यार जो वॉच है वो हमें कौन से हाथ में पहननी चाहिए यार। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पांच ऐसे वॉच रूल बताने वाला हूँ जो कि आपको फॉलो करना है यार। वॉच एक ऐसी एक्सेसरीज़ है जो आपके पास ज़रूर से ज़रूर होना ही चाहिए। अगर हम वॉच वेयर कर लेते हैं ना तो हमारी आउटफिट में चार चांद लग जाते हैं एंड वी विल लुक मोर अट्रैक्टिव एंड मोर हैंडसम यार। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो वॉच वेयर नहीं करते हैं यार। अगर वो वॉच वेयर नहीं करते हैं तो आपकी लुक एवरेज लगती है, हम ठीक लगते हैं। पर अगर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखना है, बहुत ही हैंडसम दिखना है ना, तो हमें वॉच ज़रूर वेयर करना चाहिए। चाहे हम टी शर्ट पहन रहे हैं, चाहे हम शर्ट पहन रहे हैं, चाहे हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, चाहे कहीं पार्टी में जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें एक खूबसूरत सी वॉच ज़रूर पहनना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो वो ऐसे कौन से पाँच रूल हैं जो कि हम सब लोगों को फॉलो करना चाहिए यार, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना यार, तभी आपको पता लग पाएगा यार। तो मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई ताबिश एंड आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्काइकिंग हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जेन्युइन एंड यूजफुल कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पहले रूल के बारे में, वो ये है कि वॉच लेफ्ट हैंड में पहने या फिर राइट हैंड में पहने। अक्सर आपने सुना होगा कि जो लड़कियां होती हैं उनको जो है वॉच राइट हैंड में पहननी चाहिए और जो लड़के होते हैं उनको वॉच लेफ्ट हैंड में पहननी चाहिए। ये आपने हज़ारों बार सुना होगा यार। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको लेफ्ट हैंड में वॉच पहनना है या फिर राइट हैंड में वॉच पहनना है। अगर आप अपने काम राइट हैंड से करते हो, लिखने का काम, पढ़ने का काम, कोई सामान उठाने का काम, तो आपको लेफ्ट हैंड में वॉच पहननी चाहिए। अगर आप लेफ्टी हो यानी लेफ्ट हैंड से सारा काम करते हो तो आपको राइट हैंड में वॉच पहननी चाहिए। चाहे आप लड़का हो लड़की हो, डज नॉट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तो ये रूल आपको जरूर फॉलो करना है यार। बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में जो कि अक्सर लोग फॉलो नहीं किया करते हैं, वो ये है कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनको कौन सी वॉच पहननी चाहिए। वैसे जो वॉचेस होती हैं वो बहुत टाइप की होती हैं, पर मैं आपको दो मेन टाइप के वॉच बताने वाला हूं। एक होती है एनालॉग वॉच, एक होती है डिजिटल वॉच। तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है उनको पता नहीं होता है तो वो डिजिटल वॉच पहन लेते हैं आज के टाइम पर। और जो डिजिटल वॉच होती है वो नंबर्स वाली वॉचेस होती हैं जो कि छोटे बच्चे अगर पहने तो उनपे ज्यादा अच्छी लगेगी। आप लोग तो मैच्योर हो यार, आप लोग इतने ज्यादा हैंडसम हो। अगर आप भी डिजिटल वॉच पहन रहे थे तो प्लीज उसको बंद कर देना यार, यू शुड वेयर एनालॉग वॉच यार। अगर आप एनालॉग वॉच वेयर करोगे यार तो आप लोग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाले हो। तो ये चीज आपको जरूर फॉलो करना है। बात करते हैं अगली चीज के बारे में कि आपको अपनी वॉच का साइज कितना रखना चाहिए यार। अगर मैं वॉच के साइज की बात करूं तो लोग पता है गलती क्या करते हैं, वो बहुत बड़ी वॉच पहन लेते हैं या फिर जो है बहुत छोटी सी वॉच पहन लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट होती है उनके, या तो उनकी बहुत ज़्यादा लूज होती है यार। और खास करके जो पतले लड़के होते हैं ना, तो मैंने अक्सर देखा यार जो पतले लोग होते हैं वो बड़ी वाली वॉचेस पहन लेते हैं, जिससे उनकी जो कलाई होती है वो तो ऑलरेडी पतली है तो वो और भी ज़्यादा पतले लगते हैं यार, क्योंकि उनके जो हाथ हैं वो तो पतले पतले हैं और उन्होंने अगर बड़ी वॉच पहन ली सभी लोग उनकी मजाक बनाएंगे, कहेंगे यार तूने यार ये क्या पहन रखा है यार, तूने ये घंटा पहन रखा है। मतलब घड़ी को घंटा बोलते हैं ना, मतलब आपने ऐसा सुना होगा यार। तो आपको ऐसा नहीं करना है। वॉच आपको किस तरीके से पहनना है, ना तो वो बहुत ज़्यादा लूज हो ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो यार, आपको नॉर्मल सी वॉच पहनना है जिस तरीके से आप फोटो में देख सकते हैं यार। बात करते हैं अगले रूल के बारे में, वो ये है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो सेम वॉच रोज डेली पहनते रहते हैं यार। तो आपको ये गलती नहीं करना है मेरे दोस्तों मेरे भाइयों। अगर आप ऐसी गलती कर रहे थे तो प्लीज उसको बंद कर देना यार। आप सेम वॉच हर दिन ना पहने। अगर आप सेम वॉच हर दिन पहनते हो तो सभी लोग आपकी मजाक बनाने वाले हैं और आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैं सेम वॉच पहन रहा हूं। अब आप ये सोचोगे कि यार मेरे पास तो इतने सारे पैसे नहीं है कि मैं दो तीन वॉच परचेज करके लाऊं यार। तो मैं आपको बताऊं 500 के अंडर अंडर ही आपकी जो है वॉचेस आ जाएंगी। तो आपके पास करीब 2 से 3 वॉच होना ही चाहिए। अगर आप 2 से 3 वॉचेस होंगी आप जो है डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट वॉचेस पहन लोगे। कैजुअल्स के साथ दूसरी वॉच पहन लोगे, अगर आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो तब दूसरी वॉच पहन लोगे, अगर आप फॉर्मल कपड़े वेयर करे हुए हो तब आप दूसरी वॉच वेयर कर लोगे। तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास पैसे ज्यादा नहीं है यार तो आप महंगी वॉच नहीं परचेज कर सकते। मैंने आपको बता दिया है कम बजट में ही आप अच्छी वॉचेस जरूर परचेज कर सकते हैं। प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार। बात करते हैं अगली मिस्टेक के बारे में जो कि बहुत सारे लोग किया करते हैं। जब भी वो किसी से बात कर रहे होते हैं ना तो वो अपनी बार बार वॉच को देखते हैं यार। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है यार। अगर आप किसी से बात करते टाइम अपनी वॉच को बार बार चेक करोगे तो इससे होता क्या है, आप जो है लेस कॉन्फिडेंट माने जाते हो। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है यार।
तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको किसी से बात करते टाइम अपनी वॉच को बार बार नहीं देखना यार। और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि जिससे आप बात कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो और आपको उसकी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है यार। तो दोस्तों ये 5 ऐसे रूल थे जो कि आपको फॉलो करने चाहिए वॉच वेयर करते टाइम यार। आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे यार। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम आपके लिए ऐसी हेल्थ फिटनेस फैशन एजुकेशनल ग्रूमिंग एंड रिलेशनशिप के ऊपर वीडियोस लेके ही आते रहते हैं यार। और इंस्टाग्राम पे आपका कोई भी सवाल हो कोई भी क्वेश्चंस हो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा यार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट यार, दुआ में रखना।